हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो वी विल डू सेकंड पार्ट ऑफ रीजनिंग ओके फर्स्ट पार्ट में हमने एनालॉजी की थी आज हम ऑड मैन आउट करेंगे इसमें भी सेम टाइप से हम इसके टाइप्स देखेंगे पहले उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे एंड लास्ट में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे ठीक है फर्स्ट सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑड मैन आउट होता क्या है इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं इन दिस चैप्टर द क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट्स चार ऑप्शंस जैसे होते हैं उसी तरीके से होता है ठीक है ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट वन फॉलो अ सर्टन पैटर्न और रूल ठीक है एलिमेंट यहाँ ऑप्शन के लिए बोला है तो चार ऑप्शन रहेंगे आपके पास उसमें क्या होता है एक को छोड़ के बाकी सब किसी एक पैटर्न या किसी रूल को फॉलो करते हैं या कुछ कॉमन होता है सब में एक में नहीं होता तो वो मैन आउट होता है हमें वही फ़ाइंड करना होता है ठीक है कैंडिडेट को वही फ़ाइंड करना होता है और उनको अपना आंसर मार्क करना होता है अब टाइप्स क्या क्या होते हैं ऑटमैन आउट्स को अगर ब्रॉडली डिवीजन करा जाए तो वो हो गए चार टाइप्स में एक होता है वर्ड क्लासिफिकेशन एक होता है इमेज क्लासिफिकेशन एक होता है लेटर क्लासिफिकेशन एंड नंबर क्लासिफिकेशन तो ये चार टाइप होते हैं इसमें से आपके में इमेज वाला नहीं आता ठीक है आज तक कोई भी क्वेश्चन ऐसा मैंने नहीं देखा जो इमेज के ऊपर बेस्ड हो तो आपको जो भी करना है इमेज वाला कभी नहीं करना अगर आप कभी कभी मैंने देखा है कुछ कुछ बच्चे सी डी एस एफ कैट ये सब वाला पेपर भी सॉल्व करते हैं एम एन एस के लिए भी ठीक है तो एफ़ कैट में वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत आते हैं लेकिन आपको वो नहीं करने क्योंकि आपके में इमेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता जो भी होगा वो वर्ड्स लेटर्स वाला ही होगा ठीक है तो हम टाइप टू को छोड़ के टाइप वन थ्री एंड फोर करने वाले हैं सबसे पहले टाइप वन को देखते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन टाइप इन वर्ड क्लासिफिकेशन द कैंडिडेट इज गिवन अ ग्रुप ऑफ वर्ड इन विच ऑल एक्सेप्ट वन आर रिलेटेड टू वन एंड अदर सेम सिमिलर तरीके से जो हमने पढ़ा ऑर्डमैन आउट का ही रूल ये फॉलो करता है आपको चार वर्ड दिए जाएंगे ठीक है वो चारों वर्ड किसी एक पर्टिकुलर मैनर को या किसी पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे उसमें से एक जो होगा वो उनको फॉलो नहीं कर रहा होगा तो आपको वही फाइंड करना है एग्जाम्पल देखते हैं चूज द ऑर्डमैन स्क्वायर सर्कल पैलोग्राम एंड रेक्टेंगल तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अब ये सारे एक पैटर्न तो हैं लेकिन क्यों हमने बी चूज़ किया एक्सेप्ट सर्कल ऑल अदर गिवन शेप आर मेड अप ऑफ स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइन से बनता है सारा सर्कल गोल होता है उसमें कोई लाइन नहीं होती तो आपको ये पैटर्न देखना है ठीक है अगला एग्जाम्पल टू देखो चूज द आउट पेयर ऑफ द वर्ड अभी ऑर्ट पेयर चूज करना है पेन एंड स्टेशनरी स्टेशनरी में सब कुछ आ जाता है बुक कॉपी सब कुछ ठीक है स्टार सन अर्थ मून पेंटर आर्टिस्ट यहाँ पे जो रॉन्ग आंसर है यह हमारा ऑड वन आउट है वो है अर्थ और मून क्यों इन ऑल अदर फर्स्ट फॉल्स अंडर द सेकेंड अर्थ इज अ प्लानट नॉट मून सो बेसिकली क्या बोला जा रहा है जो फर्स्ट है वो सेकेंड के अंदर फॉल करता है एक पेन जो है वो स्टेशनरी है ठीक है स्टेशनरी के अंदर आती है सन एक स्टार है ठीक है अर्थ एक मून नहीं है पेंटर एक आर्टिस्ट है ठीक है सो हमारा ऑड पेर हो गया ऑप्शन बी नेक्स्ट है रियल इमेज क्लासिफिकेशन इसमें आपको क्या कुछ चार इमेजेस दी जाती हैं और आपको बताना होता है कौन सा इमेज जो है उसमें कुछ कॉमन नहीं है तो हमें ये टाइप तो करना ही नहीं है तो हम इसको छोड़ दे रहे हैं नेक्स्ट इज लेटर क्लासिफिकेशन इन लेटर क्लासिफिकेशन देयर आर सिमिलर सिमिलारिटीज और पैटर्न अमंग द लेटर्स लेटर्स आपको कुछ दिए जाएंगे जैसे एम एन डब्ल्यू ओ पी वाई कुछ ऐसे करके लेटर्स दे देंगे वो वर्ड नहीं होंगे उनका कुछ मीनिंग नहीं बन रहा होगा लेकिन आपको उसमें भी देखना है कि क्या पैटर्न हो रहा है ठीक है और वो क्लासीफाई करना होता है आपको द रिलेशन अमंग द लेटर इज जनरली बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटी जैसे कि पोजिशन ऑफ लेटर्स जैसे हो सकता है ए बी डी दिया है ठीक है तो अभी एक छोड़ा है ए बी दो साथ में है उसके बाद सी छोड़ के डी तो आगे जो है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं क्या तो वैसे देख के आपको करना होता है ठीक है देन वॉवल या कॉन्स्टिनेंट रिवर्स ऑर्डर में हो सकता है लेटर्स एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोजिशन वैल्यू हमने जो एनालॉजी में किया था ना वो भी इससे सिमिलर होता है अब और अच्छे से समझने के लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये भी लगा दिया जैसे कि फॉरवर्ड पोजीशन तो ए को हम वन बोलेंगे लेकिन अगर बैकवर्ड पोजीशन से लिखे तो उसी ए को हम ट्वेंटी सिक्स बोलेंगे ट्वेंटी सिक्स क्यों बोलेंगे कि टोटल ट्वेंटी सिक्स लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में ठीक है तो बी को टू बोल दिया तो अगर बैकवर्ड पोजिशन से जा रहे तो बी को ट्वेंटी फाइव भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? तो नंबर और लेटर्स के बीच में कुछ रिलेशन करके ऐसे भी दिया जा सकता है आपको देन वॉवल आप सबको मैंने पिछले सेशन में भी बताया था और कॉन्सटनेंट क्या होते हैं वॉवल होते हैं ए ई आई ओ यू और बाकी सारे जो भी बचे वो होते हैं कॉन्स्टनेंट्स एग्जाम्पल देखो चूज द ऑर्ड वन अभी ये सारे इतने सारे लेटर्स दिए हैं आपको इसमें पैटर्न देखना है कि ये जो तीन का पेयर है इसमें क्या पैटर्न बन रहा है और बाकी उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं ठीक है पैटर्न पहले खोजो यहाँ पे एल एन जे तो इसमें क्या पैटर्न है एल के बाद एम छोड़ के एन लिखा है ठीक है सो so, यहाँ पे दो लेटर आगे किया है N N एल के दो लेटर पीछे जे आता है जे के एल तो ये पैटर्न है फर्स्ट वाले में एक स्किप करा है एंड सेकेंड वाले में एक बैकवर्ड जाकर उसका अगला लेटर लिखा है इसमें भी सेम है जब नहीं समझ आ रहा है अल्फ़ाबेट जल्दी जल्दी बोलता रहा करो जैसे कि पी क्यू आर एस टी ठीक है तो पी क्यू छोड़ दिया है और आर लिखा है यहाँ पे तो यहाँ पे एक बैकवर्ड जाना था ना हमें और यहाँ पे आर एस टी तो एस छोड़ के टी सी वाला रॉन्ग है यहाँ पे के, के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए था के एल एम एन ओ पी होता है ना तो यहाँ पे एम आना चाहिए था अगर यहाँ एम होता तो ये करेक्ट होता ये वाला तो सही है यहाँ पे इन्होंने एन के बाद ओ छोड़ के पी लिखा है पर यहाँ पे के, के वजह से ये रॉन्ग हो गया तो इसलिए सी वाला आपका ऑर्ड वन आउट है यहाँ पे ठीक है नेक्स्ट ऑप्शन देखो चूज द वन आउट इसमें अभी आपको लेटर्स के साथ नंबर्स भी दे दिए ओ ई थ्री एक्स डी सिक्स जे बी फाइव पी एच थ्री इसमें कुछ पैटर्न या रिलेशन देखो अभी मैंने आपको पोजिशनल वैल्यू दिखाया पीछे जो चार्ट में सो so जैसे यहाँ पे ई e लिखा है तो ई e की जगह क्या आ जाएगा फाइव फिफ्थ पोजिशन पे आता है ई e, और ओ की जगह आ जाएगा फिफ्टीन 15. क्योंकि फिफ्टीन अल्फाबेट है हमारा ओ तो अभी आपको क्या नंबर मिला फिफ्टीन फाइव एंड थ्री तो इसमें पैटर्न क्या है कि फिफ्टीन को फाइव से डिवाइड किया तो थ्री आया ये पैटर्न है ठीक है अभी यहाँ देखो एक्स डी सिक्स तो यहाँ पे जो दो लेटर आने चाहिए वो डिवाइड करके क्या आना चाहिए सिक्स तो एक्स क्या होता है ट्वेंटी फोर और डी क्या होता है फोर तो ट्वेंटी फोर को डिवाइड करो फोर से क्या आएगा सिक्स करेक्ट जे होता है टेन और बी तो होता है टू तो टेन डिवाइडेड बाय टू क्या आ गया फाइव पी क्या होता है सिक्सटीन पी हो गया सिक्सटीन और एच होता है एट तो सिक्सटीन को जब आप एट से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा टू आएगा ठीक है एट टू से सिक्सटीन होता है ना तो यहाँ पे टू आया पर हमें क्या चाहिए था या हमें क्या दिया हुआ है थ्री दिया हुआ है तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो गया ये वैसे काफ़ी हाई लेवल वाला है सो so, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो और ये एक इसका पार्ट था तो इसलिए एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया नेक्स्ट है और लास्ट है नंबर क्लासिफिकेशन इन नंबर क्लासिफिकेशन देर इज़ अ सिमिलैरिटी अमंग द गिवन नंबर और द ग्रुप ऑफ नंबर जो भी नंबर आपको दिए जाएंगे उनमें कुछ सिमिलैरिटीज होगी ठीक है या तो वो किसी का स्क्वायर होगा या तो वो Uh, किसी का क्यूब रूट होगा या तो ऑड नंबर होगा या तो इवन नंबर होगा ठीक है ऐसे कुछ ना कुछ सिमिलर रहेगा सो ये सारी चीज़ें हैं द नंबर क्लासिफिकेशन इज जनरली बेस्ड ऑन दिस सिमिलारिटी क्या क्या सिमिलारिटीज हो सकती है सम डिजिट ऑफ नंबर हो सकता है डिविजिबिलिटी टेस्ट प्राइम नंबर ऑड या इवन क्यूब या क्यूब रूट हो सकता है नंबर का स्क्वायर या स्क्वायर रूट हो सकता है ठीक है सो so ट्वेंटी तक कम से कम आपको स्क्वायर्स याद करने हैं एंड टेन तक आप क्यूब याद कर सकते हैं क्यूब क्या होता है उस सेम नंबर को आप थ्री बार मल्टीप्लाई करते हो जैसे वन इंटू वन इंटू वन तो आपका वन ही आएगा टू इंटू टू इंटू टू तब आएगा एट टू इंटू थ्री नहीं करना है टू को तीन बार मल्टीप्लाई करना है ठीक है टू इंटू टू इंटू टू तो टू टू ज़ा फोर एंड फोर टू ज़ा एट तो ये होता है क्यूब आपका एंड स्क्वायर में उस नंबर को आप उसी से मल्टीप्लाई करते हो एक ही बार तो टू इंटू टू क्या हो गया फोर थ्री इंटू थ्री नाइन ये होता है स्क्वायर ठीक है फिर डिविजिबिलिटी रूल ये सब आपने बेसिक क्लास में पढ़ा होगा ये सिक्स क्लास का है अगर लास्ट में ज़ीरो टू फोर सिक्स एट है तो वो टू से डिवाइड होगा अगर थ्री का कोई सम है तो वो थ्री से डिवाइड होगा ठीक है फ़ाइव या ज़ीरो है तो फाइव से जाएगा ये बेसिक सा डिविजिबिलिटी रूल होता है एग्जाम्पल देखते हैं चूज द ऑड वन ट्वेंटी सेवन थर्टी फाइव एटीन एंड नाइन ठीक है इसमें से ऑड वन कौन सा है थर्टी फाइव क्यों बाकी जितने भी नंबर हैं वो नाइन से डिवाइड हो रहे हैं थर्टी फाइव एक ऐसा नंबर है जो नाइन से डिवाइड नहीं हो रहा ठीक है करके देख लो नाइन वन जी नाइन नाइन टू ज़ा एटीन नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन सो नाइन थ्री ज़ा ट्वेंटी सेवन ये कट हो गया नाइन से नाइन टू ज़ा एटीन नाइन वन जा नाइन पर थर्टी फाइव नहीं आता नाइन के टेबल में सो so हमारा B ऑप्शन इज़ odd. नेक्स्ट इज़ चूज़ द odd वन Sixteen, twenty eight, thirty two, eighty four, twelve एंड fifty two एंड forty nine एंड seventy seven. सो इसमें कुछ ऐसे है देखो टू इंटू एट अगर आप टू इंटू एट करोगे तो आएगा आपको सिक्सटीन ठीक है एट इंटू फोर करोगे तो आएगा आपको थर्टी टू देन फाइव इंटू टू करोगे तो टेन आएगा ठीक है फाइव इंटू टू करोगे तो टेन आएगा बट यहाँ पे ट्वेल्व दिया है इसलिए सी हमारा ऑड है अब ये भी करके देख लेते हैं सेवन इन टू सेवन सेवन जा फोर्टी नाइन ठीक है सो सी वाला ऑप्शन जो है हमारा वो ऑड है अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन पे ही ज़्यादा आता है तो इसी के ज़्यादा क्वेश्चन दूंगी मैं ठीक है पहला देखो सन मरकरी मार्स या वीनस इसमें से कौन सा ऑड है और क्यों सो सन ऑड है ठीक है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा सारे प्लानट है और सन क्या है एक स्टार है नेक्स्ट इज क्लोथ्स प्लास्टिक थ्रेड एंड कॉटन सो सब में रिलेशन है ना कॉटन से थ्रेड बनाते हैं थ्रेड से हम कपड़ा बनाते हैं पर प्लास्टिक बीच में कहाँ से आ गया ठीक है तो ऑड क्या है प्लास्टिक अब देखो बाटर परचेज सेल एंड बोरो सो so, बाटर बेसिकली क्या होता है आपने हिस्ट्री में पक्का पढ़ा होगा जैसे पहले जब कोई कॉइन करेंसी या कुछ नोट्स वगैरह नहीं थे तब वो लोग क्या करते थे किसी के पास चावल ज़्यादा है या किसी के पास गेहूँ ज़्यादा है तो वो एक्सचेंज करते थे ठीक है तो उसी को बाटर सिस्टम बोलते हैं परचेज़ करना मतलब कुछ ख़रीदना सेल करना मतलब कुछ बेचना पर बोरो करना मतलब किसी से कुछ भी बोरो करना किसी टाइम ऑफ पीरियड के लिए जैसे लाइब्रेरी से बुक बोरो की अपने फ्रेंड से कोई पेन बोरो कर लिया तो ये कोई बिज़नेस टर्म नहीं है बाकी सब बिजनेस टर्म्स हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर फ्लार स्टेम्प ब्रांच एंड रूट इसमें क्या रिलेशन है कि स्टेम्प ब्रांच और रूट्स जो होते हैं वाटर सप्लाई करते हैं पूरे पार्ट ऑफ प्लांट को लेकिन फ्लावर ऐसा कुछ नहीं करता इसलिए फ्लावर ऑड है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव इज शिमला ऊटी दार्जिलिंग एंड आगरा इसमें ऑड क्या है आगरा ऑड है क्योंकि बाकी सारे जो है वो हिल स्टेशन है आगरा कोई हिल स्टेशन नहीं है ओके नंबर सिक्स ब्रिज एस्केलेटर लैडर एंड स्टेयर इसमें ऑर्ड जो है वो है ब्रिज क्योंकि ब्रिज क्या होता है किसी दो माउंटेन या किसी क्लिप्स को ज्वाइन करता है पर बाकी सब एस्केलेटर मतलब जो लिफ्ट ठीक है स्टेयर केस मतलब सीढ़ियाँ लैडर ये सब हमें ऊपर चढ़ने में मदद करते हैं सेवेंथ इज टायर्ड टार्डी, स्लो या लेट करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है लेट इन सब का रिजल्ट हो सकता है आप थके हुए हो टार्डी हो स्लो हो तो आप लेट हो सकते हो लेकिन पर लेट जो वर्ड है इनसे मिलता जुलता नहीं है ठीक है तो इसलिए लेट जो है वो ऑड हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट इस्लामाबाद काबुल कैनबरा एंड स्टेयरकेस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है बाकी सब क्या है किसी कंट्री के कैपिटल्स हैं और ये कुछ भी नहीं है नेक्स्ट इज डेथ डिजीज मिल्क बटर ग्रेप वाइन एंड वाटर इलेक्ट्रिसिटी करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन ए बाकी जो भी चीज़ें हैं ना मिल्क से बटर मिलता है ठीक है ग्रेप से वाइन मिलता है वाटर हाइड्रो पावर प्लांट अगर लगाओगे तो उससे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी लेकिन मरने से कोई बीमारी नहीं मिलती है ठीक है सो ये रोंग है नेक्स्ट इज ब्रॉड वाइट लाइट हैवी टाइनी स्मॉल बिग लार्ज बहुत इजी है ये कौन सा रॉन्ग है यहाँ पे ये वाला ये ऑपोजिट पेयर दे दिया इसका बाकी सब सिमिलर मीनिंग के टाइनी मतलब छोटा स्मॉल मतलब भी छोटा बिग और लार्ज मतलब बड़ा ठीक है ब्रॉड मतलब चौड़ा वाइड मतलब भी चौड़ा लेकिन लाइट और हैवी ऑपोजिट वर्ड्स हो गए नेक्स्ट इज गोल्ड ऑर्नामेंट क्लोथ्स गारमेंट वुड फर्नीचर अर्दन पॉट क्ले इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्योंकि जो भी पेयर दिए है जैसे यहाँ पे गोल्ड से ज्वेलरीज बनती है क्लोथ से हम गारमेंट्स बनाते हैं हमने अपने ठीक है वुड से फर्नीचर बनाते हैं लेकिन अर्दन पॉट से क्ले नहीं बनाते क्ले से अर्दन पॉट बनाते हैं ठीक है ये उल्टा दे दिया है इसीलिए ये रॉन्ग है नेक्स्ट इज नंबर क्लासिफिकेशन ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन है वन हंड्रेड एंड फोर्टी फोर वन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन वन हंड्रेड एंड नाइन्टी सिक्स एंड टू हंड्रेड एंड ट सो बेसिकली यहाँ पे क्या रिलेशन है देखो ये ट्वेल्व का स्क्वायर है ये थर्टीन का स्क्वायर है ये फोटीन का स्क्वायर है यहाँ पे आना चाहिए था फिफ्टीन का स्क्वायर बट ये गलत दे दिया है यहाँ पे टू ट्वेंटी फाइव होता तो ये राइट होता तो हमारा ऑर्ड पेयर क्या है डी ठीक है ये रॉन्ग है ये किसी का स्क्वायर नहीं है क्वेश्चन नंबर थर्टीन ऑप्शन ए है एट थाउजेंड वन हंड्रेड एंड टेन नाइन थाउजेंड वन हंड्रेड वन थाउजेंड वन हंड्रेड एटी नाइन या वन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड थर्टी फोर इसमें से कौन सा नंबर ऑड है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कैसे आप इन सब नंबर को प्लस करो देखो टेन आएगा ठीक है एट प्लस वन नाइन नाइन प्लस वन टेन और ज़ीरो है तो ये हो गया टेन फिर देखो नाइन प्लस वन टेन बाकी ज़ीरो ज़ीरो है इधर भी देख लो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स एंड सिक्स प्लस फोर टेन यहाँ पे करो यहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा ठीक है वन प्लस वन टू टू प्लस एट टेन हो गया और ये नाइनटीन हो जाएगा सो दिस इज़ दर्ड पेयर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोटीन सिक्सटी एट एटी फाइव वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री एंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फोर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाकी सारे सेवनटीन के मल्टीपल्स हैं ठीक है ये सारे नंबर सेवनटीन के मल्टीपल्स हैं ये नहीं है लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वन ट्वेंटी वन सिक्सटी एट टू नाइन्टी या थ्री एटी इसमें से कौन सा पेयर है हमारा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी वाई बाकी जो भी यहाँ पे नंबर दिए उसमें एक ज़्यादा या एक कम है किसी के स्क्वायर से जैसे वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी वन स्क्वायर होता है वन हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन स्क्वायर होता है अभी ऊपर देखा फिर टू एटी नाइन स्क्वायर होता है लेकिन थ्री एटी किसी के भी आसपास नहीं है तो यहाँ पे किसी में एक कम या कि एक ज़्यादा ऐसे किसी का स्क्वायर है लेकिन थ्री एट्टी कहीं पर भी आस भी नहीं आता तो ऑप्शन डी हमारा ऑड हो गया सो so, ये लास्ट क्वेश्चन था इन द एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ ये सेशन भले ही बहुत ही छोटे से हो और आपको लग रहा होगा इसमें क्या है लेकिन आप जब पढ़ोगे और देखोगे कि हाँ ऐसे ऐसे लॉजिक्स के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है तब आपको जाके समझ आएगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट सेशन हैं सो आई वॉन्ट टू एंड द सेशन विद वन ऑफ माई फेवरेट कोर्ट ओके एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड सो एजुकेशन जो है जो आज आप पढ़ाई कर रहे हो इतना पावरफुल वेपन है कि आप उससे पूरी दुनिया बदल सकते हो ठीक है जो यंगेस्ट नोबल प्राइज रेसिपेंट है मलाला यूसुफ शेयर फॉर फॉर गर्ल्स एजुकेशन और जिन लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है उनसे जा पूछो कि एजुकेशन कितनी ज़रूरी है ठीक है और वर्ल्ड कहाँ से स्टार्ट होता है वर्ल्ड खुद से स्टार्ट होता है आज आप अच्छे से पढ़ रहे हो कुछ कर रहे हो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया कल को आपकी लाइफ कितनी बेटर होगी आपकी पूरी फैमिली की लाइफ कितनी बेटर होगी जब आपके पास कुछ नॉलेज होगा तभी तो आप किसी और की भी हेल्प कर पाओगे अब सिर्फ ये पढ़ाई वाली नॉलेज की बात नहीं करूँ किसी भी चीज़ की अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं होगा आपके पास एजुकेशन नहीं होगा तो आप कैसे किसी की हेल्प करोगे तो एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है एंड आज आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आप पढ़ सकते हो आप अपनी लाइफ में चेंज ला सकते हो अपने आस के लोगों की लाइफ में चेंज ला सकते हो तो अपना पूरा टाइम पढ़ाई पर ध्यान दो सो गिव योर बेस्ट एंड मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग सेशन We'll meet soon in the next part.